पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं राजनांदगांव जिले की पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, चाहे नक्सलवाद के खात्मे की बात हो या फिर अपराधियों पर नकेल कसने की बात हो। नए पुलिस कप्तान डी श्रमण ने कार्यभार संभालते ही डोंगरगढ़ थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। डोंगरगढ़ पुलिस ने सूने मकानों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को शहर के कुमारपारा से गिरफ्तार किया। और लेकिन इस पूरी कवायद के बीच कोरोना काल में जो गाइडलाइंस जारी की और जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया गया उसकी भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उज्जैन से ये तस्वीरें हैं जहां कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। कई कई मंदिरों में यह व्यवस्था की गई कि आप ऑनलाइन अपने कृष्णा के, अपने राधे के, अपने दर्शन कीजिए। तो इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम नजर आई, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का साफ तौर पर पालन करवाया गया और भक्तों का जमावड़ा भी दिखाई दिया। इस साल जन्माष्टमी पर उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में कोरोना वायरस महामारी के चलते भक्तों का अभाव हालांकि देखने को मिला, जहां हर साल इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव रात 12 बजे मनाया जाता था। जन्मोत्सव मनाने के लिए दूर दूर से इस्कॉन मंदिर आते श्रद्धालु और मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदिर में कम ही भक्त दिखाई दिए। मंदिर प्रशासन की ओर से सामान्य दर्शन की व्यवस्था रही। जिला प्रशासन की गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन कराए गए। जन्माष्टमी का पर्व है, इस पर्व में सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो मंदिर प्रशासन जो है इस्कॉन मंदिर, उनके द्वारा गेट पे सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है और टेम्परेचर नापने की मशीन जो है वो भी कर रखी है, ताकि जो ये कोरोना महामारी जो फैली हुई है इससे बचा जा सके। और हम भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इससे मुक्ति पाएं और सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल हम राधा कृष्ण बनते हैं, राधा कृष्ण बनना हमारा शौक है, हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं। और आज ये कोरोना महामारी के चक्कर में आज प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा है, मतलब तो अभी मतलब डांसिंग वगैरह होते हैं हमारे, तो इस बार नहीं हो पा रहा है। हर साल आप जो डांस वगैरह करते हैं, इस बार जो है आपको क्या नया देखने को मिल रहा है? कोरोना के कारण ये है कि मतलब मास्क लगाना पड़ रहा है और मतलब ज्यादा इतनी फैसिलिटी नहीं हो पा रही है, घूम नहीं पा रहे मतलब ऐसा। मतलब हर साल इतना अच्छे से कार्यक्रम होता है जन्माष्टमी, कि इसमें भगवान को इतना अच्छा तैयार करते हैं, जो भी पूजा करते हैं बहुत कुछ का डांस वांस सब होता है, पर पहले जैसी कुछ नहीं है। अभी तो वो शांत वातावरण हो रहा है, बस आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं जा रहे हैं बस।